कक्षा में राहुल से टीचर ने कुछ मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में पूछा तो पप्पू ने क्या जवाब दिया, देखिए। बच्चों, आज मैं कुछ मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में पूछूंगा। जी टीचर जी, बहुत अच्छा, मैं आपको सारे जवाब दूंगा, पूछिए। शाबाश पप्पू बेटा। अच्छा बताओ, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, इस मुहावरे का क्या मतलब है? टीचर जी मैं बताता हूँ, मतलब जब कोई लालच में पड़ जाता है तो उसे बहुत नुकसान होता है। पप्पू बेटा ऐसे नहीं, उदाहरण देकर समझाओ। ओके टीचर जी, जैसे ममता दीदी अल्पसंख्यकों के वोट के लालच में लगातार तुष्टिकरण करती रही, फिर अचानक क्या हुआ कि वो मंदिर मंदिर जाने लगी, गोत्र बताने लगी। अब बहुसंख्यक तो उससे पहले ही नाराज थे, अब अल्पसंख्यक भी नाराज हो गए। वेरी गुड राहुल। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, अब इस मुहावरे का अर्थ बताओ। अरे टीचर जी ये तो बहुत आसान है, इसका मतलब है खुद को अच्छा दिखाना जबकि असलियत में उसका उल्टा होना। जैसे ममता दीदी चुनाव में खुद को ईमानदार, जनता का हितैषी बताती है, लेकिन असलियत में उनकी पार्टी के लोग जमकर गुंडागर्दी, टोलाबाजी, सिंडिकेट बन गए हैं और जनता को लूटते हैं। वाह पप्पू वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो सारे अर्थ पॉलिटिकल ही बता रहे हो। अब अगले मुहावरे का अर्थ बताओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट मिलेगी तो मैं जरूर बताऊंगा, पूछिए। न माया मिली न राम, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। इसका अर्थ है कि जो लोग ज्यादा चालाकी दिखाते हैं उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। जैसे ममता दीदी जय श्री राम से चिढ़कर कुछ लोगों को खुश कर रही थी, अब दुर्गा का गलत पाठ कर बाकी लोगों को भी नाराज कर रही है। इस मुहावरे का साक्षात अर्थ 2 मई को दिखने वाला है, मतलब 2 मई दीदी गई।